हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन या तो कुछ ना कुछ ऐसी एक नॉलेज मैं आप तक पहुंचाता हूं, जिससे हमारे टेक्नीशियन भाइयों को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक आईसी, आप बोर्ड में देखेंगे तो इस तरह की एक बीजी आईसी है, जिसको हम बॉल ग्रिड एरे कहते हैं। और एक क्वालकॉम का एक PMI 8952 करके एक आईसी आता है, जो कि एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। तो बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम इसे रिवॉल्व तो कर लेते हैं और इसको लगा भी लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि इसके अंदर सेक्शन कितने हैं, कौन से सेक्शन है। एक एक पिन की, अगर एक एक बॉल की बात करें तो हर बॉल का एक वैल्यू होता है, हर एक का एक कुछ अलग से काम होता है। तो ये आपको कई मरतबा पता नहीं चलता है कि ये कौन से बॉल पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या वर्किंग पिन है। तो आज इस वीडियो में मैं इसके इंटरनल सेक्शंस को बताने वाला हूँ आपको, कि एक आईसी को कैसे समझे। ये तो हो गया फ्रेंड्स, एक आईसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप हमारे पास कोर्स के लिए आते हैं तो उसके अंदर आपको सारे आईसीओ की डाटा शीट आपको देते हैं, उसमें बताते हैं कि चार्जिंग आईसी है वो कैसे काम कर रही है, उसके सारे कितने सेक्शंस उसके अंदर रखे गए, पावर एसी में कितने सेक्शंस रखे गए हैं, सीपीयू में कितने ब्लॉक्स हैं, यूएमसी में कितने ब्लॉक्स हैं, सारी चीज़ें यूनिवर्सल तरीका आपको सिखाते हैं कि कल के दिन आपके पास इस तरह का कोई और दूसरा आईसी आ जाए तो एक एक बोलों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इसी को इसका डाटा शीट अगर बनाते हैं तो आपको इस तरह से, आपको कई मरतबा आप गूगल वगैरह पे सर्च भी करते होंगे और मार्केट में आजकल यही बेच बेच कर लोग 3-4 हजार रुपए सिर्फ डाटा शीट बनाने के ले रहे हैं आपसे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जितने हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, ये चीज़ों को देखकर आप चमके नहीं, इसको देखकर आप ऐसा मत समझे कि ये कुछ नया इन्होंने कर दिया है। दोस्तों, अगर देखिए, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एक डाटा शीट मिलेगा, दो डाटा शीट मिलेगा, लेकिन हजारों आईसीआ हैं, हजारों एंड्रॉइड के अंदर आपको पावर मिलेंगे, हजारों आपको डीसी टू डीसी कन्वर्टर मिलेंगे, हजारों सीपीयू मिलेंगे, तो आप सबका कहां से लेंगे। तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, इसका डाटा शीट वगैरह बना रहे हैं, जीआर निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारा चीज आप भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इंस्टीट्यूट के अंदर सारी चीज सिखा दी जाती है कि इस आईसी का डाटा शीट कैसे बनाना है। आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा, काफी सारे स्टूडेंट इस तरह का डाटा शीट बनाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, हमारे फेसबुक पे काफी सारे डाटा शीट हमने पोस्ट कर दिया है, जो कि पूरा क्रेडिट फोन फिक्स की टीम को जाता है। यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी टीम इस तरह के डाटा शीट बनाते ही रहती है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बोर्ड में तो आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन अगर फ्रेंड्स, अगर आप डायग्राम में आ जाते हैं तो डायग्राम में देखिए आप, अगर लेआउट में देखेंगे आप, तो आपको एक इस तरह का एक आईसी मिलेगा। अगर आप इसी को नंबर U900 इसका नंबर दिया, अगर आप इसको डायग्राम में सर्च करेंगे तो डायग्राम में आपको इस तरह का सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कुछ कोडिंग होती है, कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, साथ में आपको कुछ सीरीज और पैरेलल में कंपोनेंट लिखे मिलेंगे, कुछ पुल डाउन रेजिस्टर्स मिलेंगे, कुछ कपलिंग कैप मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ पे बूस्ट कॉइल, बक कॉइल मिलेंगे, कुछ पैरेलल में प्रोटेक्शन के लिए डायोड और कैपेसिटर्स मिलेंगे, तो कुछ एलसी पिंस होते हैं, कुछ इसमें आपको चेक करने के लिए आपको टेस्टिंग पॉइंट दे दिए जाते हैं। तो फ्रेंड, इस ये तो डायग्राम में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप आईसी का अगर डाटा शीट बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी। अगर आप आईसी को अगर से फिजिकली देखेंगे, बोर्ड में लगी होगी तो इस तरह से लगी होगी, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जब इसकी आप डाटा शीट को रीड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका PMI 8952 का डाटा शीट खोल के रखा हूं, तो आप इसको ज्यादातर समझिए। बहुत बच्चे बोलते हैं सर, एक आईसी है तो इसमें क्या क्या सेक्शंस रखे गए हैं, क्या लाइट आईसी भी यही है, ग्राफिक आईसी भी यही है, क्या फ्लैश एलईडी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, क्या बैटरी की जो वीबैट की सप्लाई होती है इसी में आती है, क्या बैटरी थर्मल लाइन, आईडी लाइन, यूएसबी आईडी लाइन, ओटीजी लाइन, डीएमडीपी की सप्लाई। तो ये अगर आप डाटा शीट रीड करना सीख जाएंगे दोस्तों, मैं एक आईसी में आपको बता रहा हूँ, ऐसे काफी सारे आईसियां हैं, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा खुद से सीख ले, एक यूनिवर्सल तरीके से सीख ले। किसी भी इंस्टीट्यूट जाइए, जहां जाना है आपको जाइए, बाकी फोन फिक्स हैदराबाद जो आपको सिखाता है पूरा इंटरनल सर्किट की नॉलेज देता है, कहीं और से आपको किसी से गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक एक आईसीओ का डाटा शीट बना सकते हैं। अगर पावर एसी है, पावर बूट सीक्वेंस मीडियाटेक में कैसे काम करता है, क्वालकॉम में कैसे काम करता है, कैसे डेड मोबाइल में क्या चेक करना है, बहुत सारे सिग्नल लाइंस होते हैं, बहुत सारे कमांड लाइंस होते हैं जो कि सीपीयू और पावर और ईएमसी के बीच में यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे जब आप डायग्राम खोलेंगे। बहुत सारी लाइनें हैं, अगर वॉच डॉग हो गया, पीएस होल्ड हो गया,
पावर ऑन रीसेट हो गया, ऐसे काफी सारी सप्लायर है जो कि आपको जाननी जरूरी है। एक मोबाइल के अंदर शॉर्टकट मेथड्स होता है, अगर वहां पे आपको वोल्टेज मिल जाता है तो हम पिछला सारा सेक्शन को सही मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, मीडियाटेक में कुछ अलग अलग नाम होते हैं, क्वालकॉम में कुछ अलग नाम होते हैं, सैमसंग के सेटों में कुछ अलग नाम होते हैं। ये सारी चीज आपको डायग्राम वगैरह वाला नहीं देगा, अगर आप हार्डवेयर सोल्यूशन में देखेंगे तो आधे से ज्यादा लाइनें नहीं मिलेगी। जितने भी डायग्राम्स इंडिया के अंदर मिल रहे हैं किसी भी टूल के अंदर आपको सारी की सारी जानकारी नहीं मिलती है फ्रेंड्स। पहली बात आपको बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि मैं 2,000-2,500 का एक डायग्राम खरीद लेता हूं और मैं उसके बाद में मास्टर बन जाऊंगा, तो आप एक बार वो भी करके देख लीजिए। एक बार कोई भी डायग्राम ले लीजिए, जितने भी डायग्राम अभी इंडिया के अंदर चल रहे हैं बहुत सारे डायग्राम्स आ चुके हैं, जैसा प्रग्मा फिक्स हो गया, बोर्नियो हो गया, डीजेड केजे हो गया, ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं। जो आपको लेना है ले लीजिए, उसके बाद में भी आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मोबाइल का काम ऐसा है इसमें किसी गुरु का आपको सपोर्ट चाहिए, किसी टीचर का एक सहारा चाहिए, तब कहीं जाकर आप चीजों को समझ सकते हैं। आपके पास बोर्नियो काफी टाइम से होगा, लाल पीले काले लाइना देख देख कर कब तक काम करेंगे, वो गलत भी बता रहा है, बहुत सारा इसमें गलत है, हमने ऑलरेडी बताया है। बिटमैप में गलत है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी बहुत सारी चीजें गलत है। तो दोस्तों ये आईसी का आप देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसा यहाँ पे इन्होंने यूएसबी का जो पिन होती है चार्जिंग पिन बताया, जिसमें डीएम डीपी और ओटीजी की जो सप्लाई है और ग्राउंड पिन जो है यहाँ पे, जिसको हम आईडी बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, यूएसबी आइडेंटिफिकेशन, तो इसके लिए कौन सी सप्लाई किस तरफ से जा रही है, यूएसबी सेंस हो गया या डीसी टू डीसी इनेबल हो गया, यूएसबी इनेबल हो गया, ये देख सकते हैं वी बस यूएसबी इन हो गया, या ओटीजी के लिए सप्लाई, जो कि हमारा यहाँ पे करंट पाथ कंट्रोलर एक मोसफेट रखा होता है अंदर, जो कि ओटीजी के लिए सप्लाई यहाँ पे जो ये आपको वापस बाहर निकालेगा। तो ये सारी चीज आईसी के अंदर आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे चार्जर एंड ओटीजी आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, तो ये इसका चार्जर का सेक्शन है जिसके अंदर ये सारी चीजें इसके अंदर है। और भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी के लिए हो गया, या बैटरी आईडी लाइन, बैटरी प्लस माइनस, जो करंट सेंस के लिए होता है हमारा, करंट सेंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, या फिर इसमें वीपीएच का सप्लाई अगर बात कर ले, स्विचिंग कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, बूट कैप, बूट स्ट्रैप, बीटीएसटी कैप सीरीज में लगा होता है, पीएमआईडी का कैप हो गया, तो ये सारी चीज इसमें रखी हुई है। फ्लैश हो गया, सिस्टम वन की सप्लाई हो गई, या वीडीडी फ्लैश की सप्लाई हो गई, तो सारी चीज इन्होंने दी है। इसका आप डाटा शीट आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारा इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो इसमें आप फुल फॉर्म भी आपको मिलेंगे, एक एक सप्लायर में क्या जीआर आना चाहिए, क्या क्या वोल्टेज आना चाहिए, कितना एम्पियर में ये चलता है, तो ये सारा चीज इन्होंने दिया है। इसके बाद आपको एक्चुअल में जब आप बोर्ड के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपको इस तरह का जीआर बनाने आना चाहिए, इस तरह का, जिसने यहाँ पे ब्लैक पिन देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे ग्राउंड पिन होते हैं इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल की लाइन हो गई, पावर की सप्लाई हो गई, जो लाल कलर आपको दिख रहा है ये वीपीएच की सप्लाई हो गई, और यहाँ पे यूएसबी इन देखेंगे आप तो इसमें तीन जगह पे, यहाँ पे आपका चार्जर का जो 5 वोल्ट होता है इन होता है, और यहाँ पे एमआईडी कैप, यहाँ पे तीन आपको यहाँ पे और बॉल दिख रहे हैं जहाँ पे आपको 5 वोल्ट कैपेसिटर के साथ बाहर मिलेंगे, सिस्टम ऑन की सप्लाई होगी, यूएसबी सेंस की सप्लाई होगी। अगर आप ये आईसी को अगर अच्छे से पूरा पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आप इसमें आपको ग्राफिक का सेक्शन मिलेगा, लाइट का सेक्शन मिलेगा, फ्लैश एलईडी का सेक्शन मिलेगा, बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल लाइन भी इसी के साथ जुड़ी होती है, क्लॉक की सप्लाई इसके अंदर, एसपीएमआई क्लॉक डाटा आपको इसके अंदर मिलेगा, बहुत सारा इसके अंदर आपको, जैसा एनोड कैथोड पिन हो गया हमारे यहाँ पे डब्ल्यूएलईडी, जिसको व्हाइट एलईडी बोलते हैं, या कैथोड पिन के इसमें 4 बॉल दिए गए हैं, कैथोड 1, कैथोड 2, कैथोड 3, कैथोड 4, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतने सारे इन्होंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए देंगे, देख सकते हैं यूएसबी डीएमडीपी, ये डाटा माइनस, डाटा पॉजिटिव, वीपीएच का सप्लाई, ये देखिए चार्जिंग आउट जो आपका बैट सेंस यहाँ पे दिया गया है, तो रेफरेंस चार्जिंग, बैटरी थर्मल, बैटरी का आर बायस, देखिए करंट सेंस माइनस, करंट सेंस प्लस, तो ये बैटरी प्लस, बैटरी माइनस, जीपीआईओ जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट, डीसी इनेबल, ये देख सकते हैं ग्राउंड है ये, तो यहाँ पे अंदर जितने भी मोसफेट्स है, आईसीआर बनती है, सब जगह पे आपको ग्राउंड पिंस भी देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे से ये ग्राउंड भी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये डाटा शीट बनाना यहाँ पे हम आपको इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बोर्नियो के अंदर भी काफी सारे, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में आएंगे यहाँ पे आईसीआर का डाटा शीट बहुत ही अच्छे से इन्होंने बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये पूरे सीपीयू पावर और डीसी टू डीसी फिल्टर मीडियाटेक ट्रांसीवर डब्ल्यूटीआर
या फिर बहुत सारे इन्होंने डाटा शीट दिए हैं। तो इस तरह का डाटा आप रीड करते रहिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, जैसे ओटीजी के वोल्टेजेस हो गए। तो ये जो आपको मिलता है, आपको ये बॉर्नियो के अंदर भी है और काफी सारे टूल्स है, प्रक्वा फिक्स हो गया या गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो जरूर इसको पढ़ें। इसका डाटा शीट भी आपको अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर भी ये देख सकते हैं डीएम डीपी वगैरह पूरा कितना फुल फॉर्म्स क्या है, सारा चीज ये बॉर्नियो के अंदर भी मिल जाता है या फिर आईसीएम के डाटा शीट जब भी आपको मिलेंगे तो आप डाटा शीट को रीड करिए। इस तरह से देखिए कैथोड डिस्प्ले के लिए क्या क्या सप्लाई इन हो रहे हैं, क्या क्या आउट हो रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हैप्टिक्स के लिए हो गया, या यहाँ पे कंट्रोल करंट कंट्रोल के लिए कौन सा लाइन्स क्या जा रहे हैं, सारी चीज इसमें मिल जाएगी आपको। ये इंटरनल आपके सेक्शन है, इंटरनल के बारे में अगर आप बहुत डीपी लेवल में रीड करना चाहते हैं तो इस तरह से पढ़िए। ये आपको क्वालकॉम का चिपसेट के साथ आपको देखने मिलेगा, ये क्वालकॉम सीपीयू के साथ जो कि हमारा PMI-8952 IC होता है। इस तरह के काफी सारे और भी IC होते हैं जिसका डाटा शीट वगैरह आपको बनाना है तो बना सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसी के अंदर डाटा शीट में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक नंबर इसमें 144 पिंस इसमें आते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो येलो कलर है ये कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स है, हाउसकीपिंग के लिए ब्लू कलर, ग्राउंड पिन जो है ग्रे मिलेंगे। तो यहाँ पे कलर्स भी इन्होंने दे दिए हैं, पावर वोल्टेजेस वाले जो है ग्रीन पिन होते हैं यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं डाटा शीट, इसको समझना है, फुल फॉर्म को समझना है कि VREG क्या है, रेगुलेटेड सप्लाई क्या है, ड्रेन वोल्टेज ड्रेन ड्रेन सप्लाई क्या है, डिस्प्ले पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, करंट सेंस हो गया, बैड सेंस हो गया, क्लॉक का सप्लाई हो गया, SPMI लॉजिक हो गया, I2C सप्लाई हो गया, ये सारी चीज समझना होता है। ये आपको कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो इसका कहीं पे भी डिटेल्स आपको मिलेगा नहीं, जो कि आपको किसी ना किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ सीखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये जो पिन आप देख रहे हैं इसमें जितने भी पिन वर्किंग पिन है उसमें अगर से आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपका सेट के अंदर अलग अलग टाइप के एरर्स आ जाएंगे, फिर आप उसमें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। बाकी ये PMI-8952 लाइट चार्जिंग ग्राफिक और बैटरी आईडी बैटरी थर्मल के लिए, डीएम डीपी के लिए, बहुत सारे वर्किंग के लिए ये यूज किया जाता है, बहुत सारे सेक्शन इसके अंदर रखे गए हैं। बाकी इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि हम आपको क्लास में बताते हैं। बाकी आपके कहीं पे भी आप सीखिए, जहां भी आप जा रहे हैं, अगर आपके टीचर ने नहीं सिखाया कोई बात नहीं, फोनफिक हैदराबाद को फॉलो करते रहिए और भी बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियोस के कंटेंट में जाइए, बहुत सारा लाइव प्रैक्टिकली सोल्यूशन आपको मिलेगा। और अच्छे से सीखना है डीपली चिप लेवल पे अगर आपको सीखना है, ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक हैदराबाद। 27 फरवरी से हमारा नेक्स्ट बैच है, अगर आप चाहे तो आ सकते हैं। उसके बाद 27 मार्च से हमारा नेक्स्ट बैच है, उसका भी बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ऑनलाइन में अगर से सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं EMMC और UFS का, तो उसका भी डिटेल ले लीजिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, डिटेल ले लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए। कोशिश करते हैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आके बताने की, आपको अपडेट करने की। आपको यहां से फोनफिक हैदराबाद से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।